रिश्ते को क्या मोड़ दूं ना तारे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना होगा। उसके बाद प्लस के आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से आपको एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। आपको मीडिया पर जाकर सबसे पहले ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेकर आना है। बैकग्राउंड आ जाने के बाद आप इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए ऐसे आगे, करीब आपको जितना वीडियो बनाना है उतना हिसाब से ओके कीजिए। उसके बाद आप वापस लेयर पर जाइए, फिर मीडिया पर जाइए, फिर जिस भी मॉडल का या आप अपने किसी का भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप उसको लेकर आ जाइए। मॉडल का फ़ोटो आ जाने के बाद आप इसको चाहे तो क्रॉप करना तो क्रॉप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्रॉपिंग पर जाइए, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए, ठीक है, फिर ओके कीजिए। उसके बाद वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आप इसको रोटेट करना तो रोटेट भी कर सकते हैं, इसको जूम कर दीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसको वीडियो के लेंथ के हिसाब से बढ़ा दीजिए। इसके बाद इसको ओके कीजिए। उसके बाद वापस आगे में जाइए, फिर वापस लेयर में जाइए, मीडिया में जाइए, फिर वापस जिसका फ़ोटो लगाना है उसको लेकर आ जाइए। दूसरे वाला फ़ोटो आ जाने के बाद उसको वापस वहाँ पे उसको भी नीचे कीजिए। आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, और इसको भी थोड़ा आप जूम कर लीजिए और यहाँ पे सेट कर लीजिए। मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। ये वाला सेट हो जाने के बाद आप इस फोटो को भी वीडियो क्लिप के हिसाब से बड़ा कर दीजिए उतना, ठीक है, आपको जितना लगता है उतना कर दीजिए। ये हो जाने के बाद आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और ब्लैक कलर का स्क्रीन लेकर के आना है। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्लैक कलर का स्क्रीन आ जाने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में जाइए और उसको भी स्प्लिट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पर थ्री डॉट पर जाइए और इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। फिर इसको भी आपके वीडियो क्लिप के हिसाब से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, फिर वापस आगे आइए, वापस लेयर पर जाइए, वापस मीडिया पर जाइए और वहाँ से आप एक पीएनजी लेकर आएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका पीएनजी आने के बाद आप इसको जूम कीजिए, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, हल्का सा जूम कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं सेट कर लेता हूँ। ये वाला सेट हो जाने के बाद आप वापस लेयर पर जाइए, वापस मीडिया पर जाइए और लिरिक वाला जो सॉन्ग वाला वीडियो है उसको लेकर आ जाइए। ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आप इसको थोड़ा एक बार आगे बढ़ाइए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी हल्का सा रोटेट कीजिए और थोड़ा जूम कर दीजिए। आप अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे में जाना है, ब्लेंडिंग में जाना है, फिर इसको स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। ये सेट हो जाने के बाद आप इसको एक बार प्ले करके भी देख सकते हैं, मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ठीक है, हो गया है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और उसके बाद लाइटिंग वाला बैकग्राउंड मैं दूंगा आपको, उसको ले करके आ जाना है। ये वाला बैकग्राउंड आ जाने के बाद भी आपको इसको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन में जाना है, फिर इसको भी स्प्लिट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर इसको वापस सेलेक्ट कीजिए, फिर नीचे में जाइए, ब्लेंडिंग में जाइए और इसको आप स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। अगर इस वाले लेयर का लेंथ भी अगर आपका वीडियो के हिसाब से कम पड़ता है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर थ्री डॉट पर जाइए, डुप्लीकेट में जाइए, इसका डुप्लीकेट निकाल दीजिए, फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे थोड़ा अपने हिसाब से आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर ला के सेट कर दीजिए, ठीक है। फिर वीडियो क्लिप के हिसाब से आप यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर ट्रिम पर जाइए, फिर ट्रिम पर राइट ऑफ हिट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका रेडी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको वापस से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और वहाँ से आपको ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाला वीडियो लेकर के आना है। ये वाला आ जाने के बाद आपको इसको भी सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है और इसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर वापस ब्लेंडिंग पर जाइए और वापस इसको भी स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वापस इसको प्ले करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी आपका ये वाला रेडी हो चुका है। अगर आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा, अब जो उसका एंडिंग का पार्ट है, जो काम का पार्ट नहीं है, उसका आप सेलेक्ट कर करके ट्रिम पर जाइए और ट्रिम को राइट ऑफ प्ले हिट कर दीजिए, ऐसे सब आप इक्वली सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रिम को
राइट ऑफ क्लिक कर दीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको राइट ऑफ क्लिक कर दीजिए। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर इसका सेव का बटन देख रहे हैं, सेव का बटन पर जाके आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।